नमस्कार, न्यूज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ सेजन ठाकुर। आज देश दुनिया की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का कल शाम निधन हो गया, जिसके चलते उनके समाधि को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब मरीना बीच में इनकी समाधि बनाई जाएगी। दक्षिण भारत के दिग्गज नेता एम करुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद 94 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। करुणानिधि का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनकी समाधि को लेकर चली लंबी सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मरीना बीच पर ही समाधि बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इजाजत ना दिए जाने के बाद डीएमके ने दायर की। फैसले की खबर आते ही डीएमके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता आज करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजाजी हॉल पहुंचकर पूर्व सीएम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता कमल हासन, रजनीकांत भी करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव की मांग को टालने के लिए एनडीए की ओर से हरिवंश नारायण सिंह ने भरा नामांकन। गुरुवार को होने वाले राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव को लेकर बीएसपी, टीएमसी और टीडीपी ने सदन के सभापति से कल होने वाले चुनाव को टालने की मांग की है। ये मांग दक्षिण के दिग्गज नेता और डीएमके के मुखिया रहे एम करुणानिधि के मंगलवार को हुए निधन का हलावा देते हुए रखी गई है। इन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संभव है डीएमके के नेता के देहांत के कारण पार्टी के मेंबर इस चुनाव में हिस्सा ना लें और इसे देखते हुए उपसभापति चुनाव को टाल दिया जाए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मंगलवार को मुठभेड़ में सेना के 4 शहीदों को दी जाएगी आज श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मंगलवार को सेना और घुसपैठियों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर सहित 4 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना के ये जवान बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों को भी मार गिराया गया और 4 आतंकी फरार हो गए। अब बात करते हैं बिजनेस की। बैंक बैलेंस में लगा ग्रहण अब टल गया है। एक साल पहले बैंक में लाया गया एफआरडीआई बिल सरकार ने संसद से वापस ले लिया है। एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंकिंग सेक्टर को उभारने के लिए केंद्र सरकार 2017 में एफआरडीआई बिल लेकर आई। इस बिल को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। इस फैसले से देश में करोड़ों बैंक खाता धारकों को राहत पहुँची है। यह एफआरडीआई बिल देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों को संकट से उभारने के लिए बैंकों को ऐसी शक्तियां देता जिसका सीधा असर करोड़ों बैंक खाते धारकों पर पड़ता। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज विशेष। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज़ विशेष प्योरों।